सब लोग और आप लोगों के लिए मैं एक कुछ नई एक सिखाने के लिए कुछ नई ट्रिक लेके आया हूँ। जहाँ पे देख पा रहे होंगे ये है 6 इंच का टिन केक टिन जो जिसमें हम 1/2 kg का केक बनाते हैं वो टिन है। तो आप लोग जैसे बिगनर होते हैं तो आप लोग क्या करते हो, आइसिंग सीखने के लिए बार बार आप एक नया स्पॉन्ज को ख़राब करते हो, आपसे बन नहीं पाता है और उससे आपकी क्रीम की भी वेस्ट होती है और स्पॉन्ज भी वेस्ट होती है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, आपका स्पॉन्ज बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, अगर क्रीम भी वेस्ट नहीं होगी, जो भी इस पर क्रीम लगेगी वो भी काम आएगी, किस तरीके से आएगी वो सारा कुछ आप लोगों को बताता हूँ मैं। उसके लिए आपके पास एक टिन ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी गोल कंटेनर हो या कुछ भी हो, इस तरह का गोल आइटम हो, अगर ये ना भी हो तो चले और भी अच्छी बात है, तो उसको ले लीजिए। और एक टर्न टेबल होना ज़रूरी है, उसके अंदर इस तरीके से कपड़ा डाल दीजिए। कपड़ा डालने कपड़ा ही नहीं डालना है, और भी कुछ करना है वो दिखाता हूँ मैं आपको। आप इस टर्न टेबल में इस तरीके से क्रीम डाल दीजिए, देख सकते हैं आप इस तरीके से क्रीम डाल दी हमने। और क्रीम डाल देने के बाद ये इस तरीके से इसको चिपका लीजिए ताकि आपका इधर उधर ना भागे, और इसको चिपकाना आपने बिल्कुल सेंटर में, ये देखिए बिल्कुल सेंटर में है, इस तरीके से चिपकाना है। और उसके बाद आप ये क्या करना है, और आप अच्छे अच्छे डिजाइन भी इस तरीके से आप अच्छे अच्छे डिजाइन भी सीख सकते हो। और जैसे कि आपको सीखना है तो उसके लिए तो काफ़ी अच्छा तरीका है, तो इसको किस तरीके से, इसमें ही आपको केक बना के दिखाता हूँ किस तरीके से बनाओगे आप। ये इस तरीके से क्रीम डाल दी, देख सकते हैं आप क्रीम बिल्कुल स्मूथली प्लेन हो जाएगी। आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहें, और वो नीचे से इस तरीके से चिपकाना ज़रूरी है। और अब देखिए साइड में भी इजीली क्रीम लग जाएगी इसको। आप ये मत सोचिए कि ये हमारा बहुत बड़ा केक रहा है, कोई बात नहीं, आपको आइसिंग करनी सीखनी है। और इस तरीके से ये देखिए आइसिंग कीजिए, मैं इसमें कलर वगैरह कुछ नहीं करूँगा, मैं भी इस क्रीम को वेस्ट नहीं करूँगा, क्रीम को यूज ही करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करते रहना और केक की फ़ोटो वगैरह शेयर करोगे, जो वो डिज़ाइन में आप इस तरीके से भी जो नहीं बनते हैं तो इस तरीके से बस कलर के बिना देखेंगे, कभी अगर कलर की भी ज़रूरत पड़ी तो कलर भी लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मेहनत प्रैक्टिस करते रहिए, इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहना आप, आपका केक बन जाएगा। इसके साइड में आप तुम्हें ये भी दिखाऊंगा कि जैसे कॉम मारनी है तो ये भी कर सकते हो आप। ये देखिए ये आइडिया है बिल्कुल बिगनर के लिए, जिनका आइसिंग करना सीख रहे हैं और डेली का एक स्पॉन्ज बेस्ट हो रहा है उनके लिए, देखिए। और इस तरीके से आप किसी के साथ प्रैंक भी कर सकते हैं, प्रैंक केक भी बना सकते हैं इसको। ये देखिए ये देखिए बिल्कुल इजीली ये केक बन चुका है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है। तो इस तरीके से अब इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा फ्लावर वगैरह बना के दिखाऊंगा, तो बने रहें वीडियो में। तो मैं अभी तक का तो था ये बिगनर के लिए, जो बिगनर है उनके लिए था। अब इसमें मैं और लोगों जो और भी देख रहे हैं उनके लिए फ्लावर बना के दिखाता हूँ। ये देखिए कोई इस तरह का गोल नोजल ले लीजिए और उससे इस तरह से निशान लगा लीजिए, आपको जितने भी चाहिए उतने निशान लगा लीजिए, और इस तरह का केक कलर में काफ़ी अच्छा लगेगा। देख सकते हैं मैंने इस तरीके से ये नोजल से निशान लगा दिए। अब एक कोई भी नोजल लीजिए आप फ्लावर वाली, तो ये देखिए ये जो निशान लगा रखे वहाँ से स्टार्ट कीजिए, उसके बाहर बाहर ही रखिए। जब इसको कलर में करोगे आप तब और भी बेस्ट लगेगा आपका। और इसके बीच में कुछ और डाल दीजिए,
ये देखिए, जिसको फ्लावर बनाने नहीं आते हैं वो इस तरीके से भी फ्लावर बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके के फ्लावर बन रहे। ये देखिए किस तरीके से फ्लावर बन चुके हैं। अगर इस तरह का केक आपको फुल कलर में डेकोरेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और बिगनर किस किस ने इस तरीके से ट्राई कर किया, ये भी वीडियो देखने के बाद कौन ट्राई कर रहा है इस तरीके से, ये भी ज़रूर बताना। क्योंकि इस तरीके से पूरे फ्लावर भरने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आप नए नए स्टार्टिंग में आइसिंग करोगे तो आपका ये देखिए इस तरह का बना केक, स्टार्टिंग में आइसिंग करोगे तो आपकी आइसिंग प्रॉपर तरीके से सफाई से नहीं होगी तो आपका केक भी ढक जाएगा। और बाकी देखिए अब ये देखिए इस तरीके से, ये भी आप अगर डबल कलर में करेंगे तो ये साइड का झालर, ये भी आपका केक काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देख सकते हैं साइड में, और बाकी इसी से आप साइड का बॉर्डर भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे जैसे स्टार नोजल से इस तरीके से, या पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ लगा सकते हैं यहाँ पे, और इनके बीच में कुछ कलर वाले कर दीजिए या चॉकलेट ग्लेज डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप ये फुली केक डेकोरेशन कर सकते हैं। एक नया डिज़ाइन भी आप लोगों को मिल चुका है ये, और बाकी विगनर के लिए आइडिया भी है। और इस तरह से डिज़ाइन में किसको कौन सा केक देखना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए। और उसके बाद देखिए बिल्कुल सिंपली ये इस तरीके से, ये देखिए क्रीम निकाल ली, और ये क्रीम दोबारा से फिर से यूज कर सकते हो आप, क्योंकि केक टिन हमारा बिल्कुल साफ था, नया टिन था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए एक बार में आइसिंग नहीं हुई, दोबारा आप प्रैक्टिस कीजिए। और ज़्यादा क्रीम फट जाती है उसको आप जब केक बनाते हो उसके अंदर डाल दीजिए, लेयरिंग कर लीजिए। और बाकी स्पेशली फ़ायदा उनको होगा जो वीडियो यूट्यूब वगैरह के लिए डेली वीडियो बनाते हैं और उनके पास डेली ऑर्डर नहीं होता है, तो इस तरीके से भी केक डेकोरेशन करके दिखा सकते हैं। देखिए ये केक टिन है, और इस तरीके से आप फ्रैंक केक भी, और अंदर कपड़ा ज़रूर डाल लें, अंदर कपड़ा डाल लोगे तो उससे आपका केक, ये टिन है जो इधर उधर नहीं भागेगा, तो अभी केक बना था। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।